मंजिल हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, की मंजिल हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल के आंखों में अपने डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी बात के शुरुआत करना चाहूंगा बीएसएफ ट्रेड्समैन 2022 भर्ती के बारे में। अब की बच्चे बन गए सर, कोई सवाल नहीं है, कोई और नहीं, तो सारी डिटेल में आपको बात कर रहा हूँ ना, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहली बात आ रही थी, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स मैसेजेस कमेंट्स आ रहे, सारे के सारे बहुत सारे बच्चों के, ध्यान रख रहा है क्या मैसेज आ रहे हैं सर, बीएसएफ ट्रेड्समैन में जब हम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो आईटीआई मांगा है। क्या मांगा है? आईटीआई मांगा है, ये बात आ रही है। अब देखो आईटी मांगा है ये नहीं मांगा है, कौन सी ट्रेड में आप अप्लाई आईटीआई से कर सकते हो, बिना आईटीआई से कौन सी ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, सारी डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में, बने रही वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है लिखित परीक्षा का, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। आपकी डेली क्लासेस चल रही है, बहुत सारे कम बच्चे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो पता नहीं, आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी ये मेरे को पता नहीं, ये तैयारी करनी है तो क्लासेस ज्वाइन कर लो, अकेले फिजिकल के दम पर आप ये बीएसएफ ट्रेड्समैन की नौकरी नहीं ले सकते, अभी बोल रहा हूँ मैं आपको। जो रिटर्न की तैयारी करेगा ना वही बच्चा एक दिन सक्सेस होगा और वही बच्चा इस भर्ती में लगेगा। बात करते हैं, एक मैं बता दूं आपको बिल्कुल साफ और सटीक तरीके से बोल रहा हूँ, वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, सबको पता है सरकारी रिजल्ट है, आप बहुत ही विश्वसनीय वेबसाइट है, मैं भी मानता हूँ बहुत ही विश्वसनीय वेबसाइट है, सारे के सारे मित्र वाले सारे के सारे केपे वाले उस पर काम करते हैं। उसने एक तो दे रखा है भाई 10+ IIT आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट बात तो ये। दूसरा दे रखा है 6 मार्च से एग्जाम, ठीक है 6 मार्च को एग्जाम डेट, दो उसने दे रखे, तो 6 मार्च वाला तो मैंने पहले बता दिया कि 6 मार्च को तो आपका एग्जाम होगा ही नहीं, पहले होगा इसमें फिजिकल, तो एग्जाम कहाँ से होगी, तो इसको तो हम कंफ्यूजन में पहले दूर कर चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि 6 मार्च को आपकी एग्जाम नहीं होगी, इसमें सबसे पहले होगा फिजिकल। जिस बच्चे ने अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस नहीं देखा वो सिलेक्शन प्रोसेस एक बार ध्यान से सुन लेना, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में उसी दिन आपका ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड के बाद आपका लिखित एग्जाम होने वाला है, और लिखित एग्जाम के बाद आपका मेडिकल होने वाला है, और मेडिकल के बाद में आपका रीमेडिकल होने वाला है, यानी कि जो भी आपको रीमेडिकल मिल रहा है उन बच्चों को रीमेडिकल होने वाला है, फाइनली इसमें ज्वाइनिंग मिलेगा। 1 2 3 4 और 5 स्टेपों से आपको गुजरना है, यह आपका बीएसएफ का सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई आपका एग्जाम पहले होने वाला नहीं है। अब बात करते आईटीआई की, देखो कौन कौन सी ट्रेड आई हुई, मैं बता दूं आपको आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड है और बिना आईटीआई की ट्रेड है कौन कौन सी है। जो आईटीआई की ट्रेड है उनमें बता दूं आपको किस प्रकार से फॉर्म लगा सकते हो, और जो बिना आईटीआई के वो बता दूं आपको। सबसे पहले तो आपका आता है इलेक्ट्रीशियन, कौन सा आता है? इलेक्ट्रीशियन, बिल्कुल आपका। फिर एक आता है आपका बार्बर, ठीक है बार्बर, और फिर आता है आपका एक कारपेंटर, ठीक है, फिर आता है आपका पेंटर, ये तीन ऐसी है जिनमें आप आईटीआई से फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, आप एक इलेक्ट्रीशियन ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर आईटीआई होना जरूरी है, बल्कि यदि बार्बर में भी आप फॉर्म लगाना चाहते हो तो 2 साल एक्सपीरियंस से फॉर्म लगा सकते हो, कारपेंटर में फॉर्म लगाना चाहते हो 2 साल एक्सपीरियंस से फॉर्म लगा सकते हो, पेंटर में भी आप 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म लगा सकते हो, तो इसमें आपको आईटीआई की कोई जरूरत नहीं, तो मैं इसको आपको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन जिस बच्चे के इलेक्ट्रीशियन पास आईटीआई वो इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म लगा सकते हैं। अब ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई तो मैं बता दूं। अब बात आती है कि सर मैं स्वीपर से लगाना चाहूँ तो आईटीआई, सर मैं आपको कुक से लगाना चाहूँ तो आईटीआई, ये बोल रहे हैं केपे वाले, बोल रहे हैं मित्र वाले, बोल रहे हैं सर ऑनलाइन फॉर्म वाला, बोल रहे हैं इस प्रकार से, बोल रहे हैं इस प्रकार से, बोल रहे हैं। ध्यान से देखो जो भी आपका काम कर रहा है ना, मैं नहीं बोलता वो आपका काम है, सब अपना अपना काम करते हैं और अपना अपना पेट पालते हैं भाई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, कोई क्या काम करके कमाता है, कोई क्या काम करके कमाता है, कोई क्या काम करके कमाता है, तो जो भी आप फॉर्म भर रहा है ना उसको साफ बोलो कि साहब एक काम करो आप BSF.gov.in, आप BSF.gov.in पर जाओ, वहां पर आपका नीचे ऑप्शन आएगा भर्ती प्रक्रिया या रिक्रूटमेंट, वहां पर आपका न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करके वहां से आपको फॉर्म को भरना है। आपको कोई तो आईटीआई नहीं मांग रहा है, कोई और नहीं मांग रहा है, सीधा केवल 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो, ठीक
ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आ रही थी कि सर जैसे बार्बर में मैंने आईटीआई कहाँ से करूँ, या बार्बर का प्रमाण पत्र कहाँ से बनाऊँ। तो ध्यान रखो, बार्बर का प्रमाण पत्र आपको शॉप से बनाना है। कहाँ से बनाना है? शॉप से बनाना है। और वैसे भी मैंने सारे के सारे प्रमाण पत्र के वीडियो ऑलरेडी डाल रखे, वो वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। सारे के सारे प्रमाण पत्र उसमें डाल रखे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अदरवाइज और भी कोई डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो बता दो आपको। 7 बजे 7 PM पर हम डेली लाइव आएंगे आपसे, तो 7 PM पर आप लाइव जरूर जुड़ जाए। और जो भी कमेंट्स में अपना कमेंट कीजिए और अपना सवाल का जवाब आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल छोटा सा वीडियो था BSF ट्रेड्स में स्पेशल 2022 के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है कि आईटीआई मांग रहा है, आईटीआई मांग रहा है। तो आईटीआई जरूरी नहीं है, आपके पास हो तो ही फॉर्म लगा सकते हो, बिना आईटीआई के भी आप फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है। मेरी जानकारी कैसी लगी वो जरूर बताना। साथ ही बता दो आपको BSF ट्रेड्स में का स्पेशल पेज ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल आपको ज्वाइन, एक क्या बोल रहा था सुबह फोन आया था सर, ज्वाइन बटन जरूरी है क्या? नहीं, आपको ज्वाइन बटन जरूरी नहीं है, ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। ज्वाइन बटन तो इसलिए दे रखा भाई, आप सबको अपना ज्वाइन बटन लेना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप ज्वाइन बटन मैंने दे रखा, बल्कि आपको पैसा एक भी नहीं देना, बिल्कुल फ्री आपके लिए भेजा है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम पर यदि कोई फॉलो करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, अजय 03 03 97 मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बना है BSF ट्रेड्समैन का स्पेशल, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया जरूर करना, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।